नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में नहर में मिला किशोर का शव। एक दिन पहले घर से हुआ था लापता। तलाश कर रहे थे परिवार के लोग, माता पिता हैं दिव्यांग। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब नहर में एक किशोर का शव बरामद हुआ। आपको हम बता दें कि ये किशोर एक दिन पहले घर से लापता था। तलाश परिवार वाले कर रहे थे और उसके माता पिता दिव्यांग भी हैं। आपको हम बता दें कि सुल्तानपुर में 12 वर्षीय किशोर का सांघिक परिस्थितियों में नहर के अंदर शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को बरामद कर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। आपको हम बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार कूड़ेभार थाना क्षेत्र के भरतेपुर गांव निवासी रितेश अग्रहरी 12 साल पुत्र मदनलाल अग्रहरी सोमवार की शाम 5 बजे के आसपास घर से गायब हो गया था। परिवार वालों ने उसकी काफ़ी खोजबीन की लेकिन कुछ जब उसका पता नहीं चल सका तो उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके किशोर की तलाश शुरू कर दी थी। आपको हम बता दें कि मंगलवार की दोपहर रितेश का शव गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बाबूगंज स्थित शारदा सहायक नहर में उतरता पाया गया, जिसे देखकर वहां काफ़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने शव को मिलने की सूचना पर पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे शव को बाहर निकलवाया और पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसओ कूड़ेभार प्रवीण यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल पाएगा मौत का कारण क्या है। आपको हम बता दें कि उधर किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां संगीता देवी का पुत्र की मौत की खबर सुनकर रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा कि मां गूंगी और पिता दिव्यांग है। बूढ़ी दादी हैं जो कर घर परचून की दुकान चलाती है। तीन बहनें हैं, रिया, रागनी और श्रेयांशी भी है। आपको हम बता दें कि तीनों भाई के मौत के बाद सदमे में हैं। परिवार वालों ने घटना को लेकर पुलिस से लिखित तहरीर दी है। ये सुल्तानपुर से आप खबर देख रहे थे। सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दिन घर से लापता पहले दूसरे दिन युवक का शव नहर में उतरता दिखाई दिया। खबर आप कहां से देख रहे थे कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आप ये खबर कहां से देख रहे थे, आपको खबर कैसी लगी। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आप ये खबर कहाँ से देख रहे थे, आपको खबर कैसी लगी। जुड़े रहिए भोलू जहांगीर के साथ अपना सुल्तानपुर न्यूज चैनल से। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।